हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, मैथ का क्वेश्चन देख रहे थे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीटेट पेपर वन मैथ्स के पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों 2021-22 में टोटल 15 सेट में ये पेपर हुआ था, जिसमें से हम ऑलरेडी 6 जनवरी तक का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग दो वीडियोज़ में, राइट। हम इन्हें यहाँ तक देख लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों 7 जनवरी और 8 जनवरी के दो पेपर सेट, जो 7 जनवरी 2022 को पेपर पूछा गया था और जो 8 जनवरी 2022 को पूछा गया था। इसमें हम मैथ के 15-15 यानी कि 30 न्यूमेरिकल सवाल को देखेंगे। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक, मज़े में, सब अच्छे से होंगे। चलिए आइए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डेट 7 जनवरी 2022 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहला आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि टीनू अपने मसाले का कारोबार शुरू कर देते हैं। जो टीनू है वो मसाले का कारोबार शुरू करते हैं, ठीक है। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर और 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदते हैं। अच्छा, तो जो दीनू हैं वो क्या करते हैं भाई, वो इतने मसाले खरीद लिए। अब प्रत्येक मसाले को 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है, उसने बेचने के लिए मसालों के कितने पैकेट तैयार किए। अच्छा सही है, देखिए उन्होंने क्या किया, थोक रेट में अलग अलग जगह से उन्होंने 10 किलो हल्दी, 8 किलो लाल मिर्च और 15 किलो धनिया खरीद दिया। तो टोटल कितना मसाला उन्होंने खरीदा, अगर आप इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 10, 8, 18 और 18 और 5 कितना होगा, 18 और 5 हो जाएगा आपका 33, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों टोटल 33 किलो क्या किया, उन्होंने टोटल 33 किलो मसाले खरीदे, उनको 20-20 ग्राम के पैकेट में मिला। तो हम 33 किलो को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 1000 से हमने। अब उन्होंने 20-20 ग्राम के उनको पैकेट तैयार करना है, तो हम 20 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये हो जाएगा 50। 50 को अगर हम 33 से मल्टीप्लाई कराएं तो ठीक है, 5 3 के 15 के 15 कैरी 1 5 3 के 15 16 1650 कितना बच्चों, 1650 टोटल उन्हें 1650 पैकेट तैयार करने होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। समझ आ गया, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यह चार्ट एक स्कूल में 5 शिक्षकों की लंबाई हाइट दिखाता है, ओके। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है। विनीत कहाँ है, ये है विनीत। क्या विनीत सबसे लंबे हैं, तो 6 फीट, हाँ सबसे लंबे हैं। क्या विनीत का भार अमन से कम है, विनीत का है 72.5 kg और अमन का है 67, नहीं अमन से ज़्यादा है, तो ये वाला विकल्प गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अमन से कम है, अमन से तो विनीत का भार ज़्यादा है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। रोहिणी कहाँ है, 4 फीट 10 इंच की हैं और कविता 5 फीट 2 इंच की हैं, तो रोहिणी की लंबाई कविता से 4 इंच कम है, जबकि ऑप्शन में आपका 6 इंच कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला विकल्प देख लेते हैं। राधिका और विनीता के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। राधिका और विनीता के भार कहाँ है भैया, राधिका है हमारे पास ये और विनीता है हमारे पास ये, इन दोनों के भारों का योग अमन और कविता, अमन कहाँ है, अमन है हमारे पास ये और कविता कहाँ है, कविता है हमारे पास ये, तो इन दोनों के भारों का योग इनसे कम है। इनको देखेंगे तो 60 60 120, इनका हो जाएगा 127 kg, ठीक है। और इन दोनों का कितना आया था, इन दोनों का कितना आया था देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 5 12 और ये हो जाएगा 27.28 kg, ये 128 kg। तो राधिका और इनका भार कम नहीं है, ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट विकल्प क्या है, रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है, तो रोहिणी का भार कितना है, रोहिणी का भार है दोस्तों 45 है और कविता का भार कितना है, कविता का भार है दोस्तों 60। तो क्या 60 का 3/4 है, देख लेते हैं, 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 1 4 5 15 3 45, करेक्ट। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे आप रोहिणी का जो वेट था वो कविता के वेट का 3/4 था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिल गया, 1 by 1 करते हुए चलेंगे और आराम से आपको समझते हुए चलेंगे। ये हम सीटेट के पिछले साल के प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, कोई इधर से नहीं देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है 7 जनवरी 2022 को जो पूछा गया था उसमें कह रहा है, 2 समबाहु त्रिभुज ABC और PQR की परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, करेक्ट।
कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी समान भुजाएं हों और जिसके अंतः कोण सब क्या हो, बराबर हो। उनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, प्रत्येक अंतः कोण पी क्यू आर के प्रत्येक अंतर कम हो, नहीं हो। देखिए, दो समबाहु त्रिभुज अगर हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और एक हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसकी भी तीनों भुज। अब चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, इसके साइड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बीच का एंगल जो होगा वो हमेशा 60-60-60 ही होगा। तो जब भी कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसके बीच का एंगल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो उनके जो अंतः कोण होते हैं भाई वो हमेशा 60-60-60 ही होते हैं, तो कम नहीं होगा। ए बी का प्रत्येक अंतः कोण आधा नहीं होगा। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के अंतः कोण बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। अंतः कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कितने होंगे? 60 होंगे। समझ आ गया भाई? बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? दी हुई निम्नलिखित आकृति में से वे आकृति जो आधा घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसी दिखेंगी। ओके ओके, बात तो सही कह रहा। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ आकृति, एक समबाहु त्रिभुज दी गई है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज, बड़ी समबाहु त्रिभुज की आज बात हो गई। चलिए, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज दी गई, एक वर्ग दिया गया है, एक हमारे पास वर्ग दिया गया है, और एक आयत दिया गया है, आयत हमारे पास एक आयत दी गई, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया भाई। अगर इसको अगर आप आधा घुमाते हैं बच्चों, तो इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये एक बिल्कुल उल्टा दिखेगा, राइट, ये उल्टा दिखेगा। इसको आधा घुमाएंगे तो ये एज इट इज़ दिखेगा, अगर इसको भी आधा घुमाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा। तो मतलब अगर आप आधा घुमाएंगे तो एक जैसा ही दिखेगा, कब? समबाहु त्रिभुज को छोड़कर। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज को छोड़कर से सभी आकृतियाँ क्या होंगी? आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेंगी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें? पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया भाई। अब इसमें ज़रा सा ट्रिक लगाइए। पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत मतलब एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्रम में है, और इन सबके बीच का गैप कितना होगा? एक होगा, डेफिनेटली। तो कह रहा है कि पाँच हैं और इनका औसत कितना है भाई? इनका औसत है हमारे पास 15। तो जब भी इस तरीके का सवाल दे दोस्तों, औसत हमारा 15 है और टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। तो एक काम करिए, दो इधर बढ़ा लीजिए 16-17 और दो इधर बढ़ा लीजिए 14-13, आपकी यही संख्याएं हो जाएंगी। ये आपका क्या है? औसत है। अगर आपको डाउट हो तो इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर लीजिए, 15 आपका औसत आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दें। ये देखिए, 17 और 13 मिलके 30 हो जाएंगे, 14 और 16 मिलके भी 30 हो जाएंगे, तो 30 30 60, और 60 और 15 कितने होंगे? 75, और 75/5 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? ये आएगा 15। समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मैं कैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे मैंने बता दिया कि ये अंक कौन से होंगे? 15 आपका औसत था दोस्तों, तो 15 आपका बीच में हो जाएगा, और प्राकृतिक संख्याएँ कह रहा है तो 5 कह रहा है, तो 2 इधर 2 इधर, 5 हमने प्राकृतिक संख्या लिख दी, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका औसत 15 आएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बच्चों, पहली और अंतिम संख्याओं का योग, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा? 13 और 17 जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, 7 3 10, कैरी वन, 1 1 30 आ गया। समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए। विशाल एक बार खाना बनाते, अच्छा विशाल, अच्छा एक और चीज़, सीटेट जानबूझ के ऐसे सवाल पूछता है क्योंकि मैं जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म करना है। विशाल लड़का खाना बना रहा है, ये बहुत ही अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन नरेट किया है बहुत अच्छा किया है। मैं खुद खाना बनाता हूँ और आई एम ए गुड शेफ। बस करो भैया, खुद से मुँह मियाँ मिट्ठू बनना उदाहरण है। चलिए, विशाल एक खाना बनाते हैं तो 30 ml तेल का इस्तेमाल करते हैं, वह दिन में 3 बार खाना बनाते हैं। अच्छा, तो एक बार में 30 ml, तो एक दिन में 3 बार बनाते हैं। अच्छा, यदि वह इतने महीना पकाते हैं तो कितना दिन? अच्छा, तो एक महीने में कितना? एक महीने में 30 दिन, और आपको टोटल कितने महीने बनाने हैं? 4, सही, 1/2, तो इसको करेंगे 9/2। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करेंगे विकल्प आपका ऑप्शन निकल जाएगा। चलिए ज़रा इसको हम एक बार कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहाँ पर 30 3 था ना, चलिए ये हो जाएगा भैया 30 3 90, 90 into ये हो जाएगा 135, 90 का गुणा 135 से कर दीजिए, आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा।
90 का गुणा बाबू 135 से कर दीजिए। कैसे करेंगे? 45 के 5 कैरीज 4, 29 27 27 और 4 31 के 1 कैरी 3, 9 एकम 9 3 12, 12015 मतलब 12 लीटर 15 12015 एक जीरो भी तो लगाना है। हाँ तो 12150 मतलब 12 लीटर 150 ग्राम 12 लीटर 150 ग्राम जी, वो 4.5 महीने में 12 लीटर 150 ग्राम पेट्रोल नहीं तेल खर्चा करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इस तरीके से आपको सवाल में लगाना है। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा आप में से कितने लोग खाना बना पाते हैं? बॉयज़ की बात कर लूँ, गर्ल्स तो दे आर ऑलवेज अ गुड शेफ आई बिलीव। आजकल तो शायद कुछ भी हो सकता है, बस बहरहाल यहाँ पे छुट्टी के दिन में मैरी 9 बजे उठती हैं और 2 बजे भोजन करती हैं। अच्छा तो उसकी घड़ियों के सुइयों में उपयुक्त में दोनों समय कौन से कोण बनेंगे क्रमशः? कोण बताता है। चलिए पहले हम एक घड़ी बना देते हैं। तो ये जो मैरी हैं वो 9 बजे उठती हैं, 9 बजे मतलब 90 डिग्री, और 2 बजे क्या करती हैं? 2 बजे वो खाना खाती हैं। तो एक हो जाएगा 90 और दूसरा हो जाएगा 60। ठीक है तो 90 न्यून कोण नहीं, 90 मतलब समकोण और 60 मतलब न्यून कोण। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई विकल्प आपका? एक हो जाएगा पहला 90 मतलब समकोण, दूसरा न्यून कोण, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेखा जो है, रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती हैं। अच्छा घन बनाना सीखती हैं, 10 सेमी भुजा के उन्होंने 12 घन बना दिए। अब उसे सभी घनों को घनों को रखने के लिए एक बड़ा डब्बा चाहिए, इस डब्बे में आयतन कितना होगा? अच्छा चलिए ठीक है, ताकि क्या हो सभी छोटे छोटे घन खाली डब्बे में पूरी तरह से आ जाए। अच्छा चलिए देखिए, एक उन्होंने घन बनाया 10 सेंटीमीटर का, तो घन का आयतन कितना होता है भैया? घन का आयतन होता है, सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा या फिर भुजा का क्यू। तो 10 है मतलब साइड का क्यू, तो 10 का क्यू करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है तो उन्होंने एक जो डब्बा बनाया था उसका आयतन, उन्होंने टोटल कितने डब्बे बनाए? टोटल 12 डब्बे बनाए, तो 12000 तो टोटल 12000 हमें क्या चाहिए? हमें 12000 कैपेसिटी का आयतन का एक डब्बा चाहिए, बड़ा डब्बा जिसमें सारी चीज़ें आप रख सके। तो 12000 सेंटीमीटर क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छा, अगला सवाल देख लीजिए। केरल के संपर्क क्रांति है, जो केरल की जो ट्रेन है संपर्क क्रांति, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 1:10 दोपहर में 1:10 13:10 पे छूटती है, 1 नवंबर को 3:20 कोचुवली पहुंचती है। यात्रा में कुल समय कितना लगा? इसको कैसे निकालते हैं बताएं आपको शॉर्टकट। पहले देखिए कितने दिन चली है, 30 को चली है, 31 का महीना है और 1 को पहुंची है, मतलब 3 दिन उन्होंने सफ़र किया है, 1 30 को और 1 31 को और 1 1 तारीख को पहुंच गई है। ठीक है अब देखिए कि 30 तारीख को कितना चली है, तो 30 तारीख को 1:30 बजे चली है दिन में, तो कितना दिन और कितना समय और बचा? तो 50 मिनट यहाँ करेंगे तो 2 बज गया और 2 बजने के बाद 10, तो यानी कि 10 घंटे 50 मिनट 10 घंटे 50 मिनट और 31 तारीख को पूरा दिन चलिए मतलब 24 घंटे चलिए, और 1 तारीख को कितना चलिए? 1 तारीख को कितना चलिए? 1 तारीख को कब पहुंची है? 3:20 पे पहुंच गई है, मतलब 1 तारीख को 3 घंटे और 20 मिनट चली है। ठीक है अब देखिए 10 घंटा 24 घंटा और 3 घंटा टोटल कितना हो भाई? टोटल हो गया आपका 27 घंटा, और यहाँ पे 50 मिनट और 20 मिनट 70 मिनट मतलब 28 मिनट, और जैसे इसको करेंगे तो 28 घंटे 10 मिनट आएगा, 28 घंटे 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। समस्या? कोई समस्या नहीं, 38 नहीं 38 विकल्प है ना, तो 38 एक बार देख लेते हैं कितना था हमारे पास, 10 घंटा प्लस 24 घंटा प्लस 3 घंटा ठीक है तो 34 35 36 37 हाँ 38 होगा करेक्ट, 38 घंटा 10 मिनट करेक्ट, समझ आ गया? बहुत अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। वाह वाह ये भी सवाल देखिए, सबसे बड़ा क्या है? 1101, सबसे छोटा क्या है? 101 यही है ना सबसे छोटा, इस 111 हाँ यही है, तो कितना बचेगा? 1100 एक में से 100 बचेगा, 1101 और 101 में करें कितना बचेगा? 100 का फ़र्क है,
सौ का फर्क है। ये वाला सवाल हो गया। अगला सवाल क्या, अगली संख्या क्या होगी? अच्छा अगली संख्या क्या है? अब ये देखिए संख्याएं किस कैसी हैं, ये है दो, ये है एक, ये है एक बटा दो और ये है एक बटा चार। इसमें हुआ क्या है, इसमें आप एक बटे दो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक हो जाएगा, इसमें आप एक बटे दो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक बटे दो हो जाएगा, यहाँ चार होना चाहिए, यहाँ चार है, इसमें आप एक बटे दो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक बटे चार हो जाएगा, तो हम इसमें भी हम एक बटे दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक बटे दो से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक बटे चार को अगर आप एक बटे दो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, चार दूनी आठ, एक बटे आठ, कोई समस्या आपका क्या हो जाएगा भाई, एक बटे आठ यहाँ पे आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, कितना आसान सा सवाल था। सब दो में एक बटे दो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना हो गया, फिर उसमें एक बटे दो, फिर उसमें ऐसे ही करते हुए चला जाए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है कि फलों की मूल्य सूची दी गई है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बता रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। अच्छा अब देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। अच्छा, आम का तो आम तो 75 रुपये किलो ही है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105 रुपये हो जाएगा, तो इनका अधिक नहीं है। प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य की 3/4 है, प्रति केजी, एक केजी कितना है भैया, एक केजी, प्रति केजी संतरे का मूल्य, संतरा कितना है, संतरा है 50 और संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4, आम कितना है, आम हमारे पास है 75, तो ये कितना है, 75 का 3/4 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 35 और 7 × 28 4 × 32 बच गया 3.0। तो नहीं है ना, बराबर नहीं हो रहा है, 18 कुछ आएगा, ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला कथन हमें गलत निकल गया, कौन सा कथन गलत पूछ रहा था और हमें गलत ही निकालना था, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यही वाला गलत पूछ रहा था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अच्छा बहुत अच्छा, कैलकुलेशन है, बस सिंपली आपको सिंप्लीफाई कर देना है। ये तो पहले देखिए बीच बीच में माने से कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं इसको, अगर सॉल्व करेंगे तो 5 × 20 के 0 कैरी 2, 5 × 20 2 12 120 आएगा, 100 कितना आएगा 22 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 122 आएगा, 122 आएगा, 5 × 20 के 0, 5 × 20 2 22, चलिए माइनस 18 × 5 = 90 माइनस इसको करेंगे 5 × 20 के 0 2, 5 × 20 2 22 के 2 102 आएगा। अब देखिए माइनस 18 और माइनस 102 माइनस 120 हो जाएगा और 122 में से 120 जाएगा, केवल 2 बचेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा केवल 2 बचेगा, ठीक है केवल 2 बचेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई समस्या बाबू, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल, अब इसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें हम इनके योग में क्या घटाएं कि परिणाम इतना प्राप्त हो जाए, तो पहले इसको तो जोड़ना पड़ेगा, अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ज़रा इसमें एक मिस प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट ये हो गया कि यहाँ पे 9909 होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे होना चाहिए 9909, ये होगा 9909 पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया 9090, तीसरा क्या है 90099। अब इसको ज़रा जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 3 27 के साथ कैरी 1, 9 1 9 9 9 कितना हो गया कैरी, 9 3 27 के साथ कैरी 2 हो गया ना, हाँ 2, 9 2 11 के 1 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी, 9 27 है 28017 कितना है भैया, 28017। अब जब 28017 आया है, 179 आया है, तो इसमें से माइनस करेंगे कि कितना अधिक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 9710 और 28 में से 5 गया, 30179 इस देर एनी थिंग 30179 आपका सही आंसर आ जाएगा, कोई समस्या कोई असुविधा नहीं होगी जहां तक मुझे इस बात की। अच्छा अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, कह रहा है कि 25 मिलियन को भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं, 25 मिलियन को पहले कैसे लिखते हैं देखती, तो ये लिखते हैं पहले 30 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 30 यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद 25 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 2500। इंडियन में जबकि 3 के बाद 0 फिर यहाँ लगा देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,50,00,000 2,50,00,000 कहीं है भैया इसमें कहीं आंसर है 2 करोड़ यहाँ पे 50,00,000 बिल्कुल 2,50,00,000 ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो देखेंगे आप इस तरीके से हमने एक सेट पूरा कर लिया 7 जनवरी को। अब हम सॉल्व करेंगे 8 जनवरी का पेपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं 8 जनवरी का भी पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या सवाल पूछ रहा है ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें सवाल क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का आलेखीय निरूपण में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आलेखीय निरूपण का मतलब डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ में डाटा जैसे प्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे करके डाटा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें चित्र आलेख फोटोग्राफ में कर सकते हैं, पाई चार्ट में किया जा सकता है, आयत चित्र में। इसका सीधा सीधा जवाब क्या है दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब है कि एवरेज, एवरेज इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, श्याम के पास एक आयतकार कागज़ है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर की। अच्छा, फिर उसने कागज़ को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया, रैखिक समिति की संख्याओं को मोड़ने के बाद क्या। अच्छा, ये पूछ रहा सिमेट्रिक लाइंस में क्या हुआ। दोस्तों हमारे पास एक आयत थी, ठीक है, आयत को हमने मोड़ के क्या कर दिया, आयत को हमने मोड़ के स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो इसकी सिमेट्री लाइन, आयत में 2 सिमेट्री लाइन और स्क्वायर में 4, तो इसकी सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी इसकी सिमेट्री लाइन। रैखिक समीकरण की संख्या में 1 बढ़ जाएगी, रैखिक समीकरण घट जाएगी, रैखिक समीकरण 2 बढ़ जाएगी, ये बार हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन है जिसको याद करना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण किस आकृति में कितनी होती है, सिमेट्रिक लाइन्स कितनी होती है किस आकृति में, ठीक है। अब यहाँ से आपको न्यूमेरिकल का सवाल मिल जाएगा कि राधा के पास एक आयतकार कार्ड है, आयतकार कार्ड है, इसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेमी है, दोनों के परिमापों का अंतर बताना है भाई, दोनों के परिमापों का अंतर। इसके पास आयत है और 20 और 10 है, तो इसकी परिमाप क्या होगी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। तो हमारे पास राधा के पास कितना है, परिमाप 60 होता है, समझ में आ रहा है ना, 2 इंटू एल प्लस बी आयत के लिए, 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितना है 20 है, बी कितना है 10 है, तो 20 10 30 30 गुना 60, तो हमारे पास राधा के पास जो आयतकार कार्ड है उसका 60 परिमाप हुआ, 60 इसका परिमाप हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी रेणु के पास 15 भुजा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 15 भुजा, इसको क्या कहते हैं, 4 इंटू साइड करेंगे तो 15 है, 15 गुणा 4 60, दोनों का क्या हुआ 60 60। पूछ कह रहा है दोनों के अंतर पूछ रहा है, 60 माइनस 60 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 0 आंसर आ जाएगा, बहुत सही बहुत अच्छा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में वृत्तों के भाग चुनिए, वृत्त के भाग, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सर्कल में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों ये सर्कल है, तो इस सर्कल में कोई साइड नहीं होता, सर्कल में परिधि होती है, साइड नहीं होता, सर्कल में एंगल नहीं होता, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ये कह रहा है कि त्रिज्या, हाँ सर्कल में त्रिज्या जरूर होती है, यहाँ से लेके त्रिज्या जरूर होती है, चलो बहुत अच्छा। कोण, केंद्र, व्यास, केंद्र और व्यास होते हैं लेकिन कोण नहीं होता, ठीक है, सर्कल तो एक पूरी सर्कल बनी होती है, परिधि होती है, भुजा नहीं होती, कोई साइड नहीं होता सर्कल का, ठीक है, क्षेत्रफल भी होता है, रेडियस त्रिज्या होती है, जीवा होती है, परिमाप भी होता है, भुजा नहीं होता दोस्तों, भुजा किस में होता है, ये साइड। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सर्कल की, एक सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं, तो आप बताइए कितनी साइड होती है, नहीं होती है, वहाँ क्या होती है, परिधि होती है। लास्ट ऑप्शन बचा है तो लास्ट ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। परिधि होती है दोस्तों, सर्कमफ्रेंस होता है, केंद्र भी होता है, त्रिज्या भी होती है, हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूर चलती है तो वो 210 मिनट में कितने दूर चलेगी। 1 घंटे में 16 किलोमीटर का मतलब 60 मिनट में कितना चलती है, 60 मिनट में दोस्तों 16 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 60 बटा 60। चलिए अब 240 में कितना चलेगी भैया, 240 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 8, 8 64 कहीं है,
देख लेते हैं, 3 से करेंगे ना, तो 3 × 2 = 6 और 8 × 3 = 24, 210 है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 210 है, क्या है 210 है। 3 से करेंगे, 3 × 2 = 6, 7 × 3 = 21, 8 × 7 = 56, 56, 8 × 7 कितना बचे हो, 56 किलोमीटर चलेगी, सही है। अगला सवाल देखते हैं कि अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखा बनाती है, अच्छा, उन्हें 10 समान आकृति की आयतकार पट्टियों में बांटती है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मेरे पास एक क्या है, ऊर्ध्वाधर ऐसे कोई, ठीक है, उस पर ऊर्ध्वाधर ऐसे रेखा बना देती है, ऐसे रेखा बना देती है, टोटल कितनी रेखाएं बनाती है, 10, ऐसे टोटल 10 बना देगी, ठीक है, टोटल 10 ऐसे बना रही है। वह उन में से 3 को लाल रंग से रंग देती है, अच्छा 3 को क्या कर देती है भाई, 3 को उसने लाल रंग से रंग दिया, ठीक है, 3 को उसने लाल रंग से रंग दिया, तो जैसे ये 3 है, इन 3 को उसने लाल रंग से रंग दिया, ठीक है, 7 को नहीं रंगा है, ठीक है, क्योंकि जब 10 बनाएगी तो 3 को रंग देगी तो 7 को नहीं रंगेगी, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, रंग देती है। अब उसी कागज के सीट को 3 × 36 कर देती है, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से आती है, उसी कागज में 100 बराबर भागों में बांट देती है, तो वो तो 100 उसी कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है, इसको क्या करेगी, 100 बराबर भागों में अलग कर देगी, ठीक है, चलिए कौन सा भिन्न वो भाग दिखता है जो रंग से नहीं रंगा है, देखो सबसे अच्छी बात इसने क्या कह, इसको क्या करती, 100 भागों में बांट दी, राइट, ये देखो 3 में उसने कलर भरा था, 3 में उसने क्या भरा था, कलर भरा था, फिर इसको ऐसे 36 करके 100 भागों में बांट दी, तो 3 में उसने रंग भरे थे और फिर वास्तव में ऐसे करके 100 भागों में बांट रही है, इसका मतलब कि वो 30 में उसने रंग भरे थे और 70 में उसने रंग नहीं भरे थे, क्योंकि 3 को रंगा था और 7 को नहीं रंगा था, समझ में आ रही बात, 3 को रंगा था और 7 को नहीं रंगा था, फिर जब 100 करेगी तो 30 को रंगा था, 7 को नहीं, 70 को नहीं रंगा था, ये उसका टोटल हो गया। अब कह रहा है कि कौन सा भाग वह भाग दिखता है जो रंगा नहीं है, तो 70 ऐसे बॉक्स हैं जो रंगे हुए नहीं हैं, 70 ऐसे बॉक्स हैं जो रंगे हुए नहीं हैं, लेकिन कितना भाग, हमारे पास टोटल 100 था, हमारे पास टोटल 100 था और 70 जो है वो रंगे नहीं हैं, मतलब इतना भाग रंगा नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/10 आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, 7/10 इसका आंसर आ जाएगा, ये बड़ा ही बेसिक था, 30 उसने रंग दिया, 70 उसने नहीं रंगे, तो यही उसका 7/10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, बिंसी प्रतिदिन 3 घंटे अखबार पढ़ती है, आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया, तो उसने कितने सेकंड अखबार, कितने सेकंड पूछ रहा है, 2 घंटे 55 मिनट में कितने सेकंड होंगे, देखिए 2 घंटे की अगर सेकंड की बात करें तो 2 × 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, इतना सेकंड होगा, प्लस 55 मिनट, 55 × 60, अब इसको क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे, 6 × 12, 36 × 72, यानी कि ये हो जाएगा 7200, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5×6 = 30 कैरी 3, 5×30 = 33, अब इसको जोड़ लीजिए, 0 × 3 × 5 = 1050, इज देयर एनी ऑप्शंस लाइक दिस, यस एग्जैक्टली 10500, इतने सेकंड उसने पढ़ाई करी थी, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है, मतलब कंप्लीट एक क्यूब है, कौन सा, 25 नहीं होता है बाबू, 25 कंप्लीट स्क्वायर होता है, 36 भी नहीं होगा, 36 6 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, 64 होगा, 4 × 4 × 4 = 64, तो 64 क्या है भाई, 64 एक कंप्लीट क्यूब है, कंप्लीट घन है, ओके। चलिए अगला सवाल, कार्तिक 10 बजे सोकर 6 बजे उठता है, 10 बजे सोता है रात को, सुबह 6 बजे उठ जाता है, वह दिन का इतना भाग खेलने में और इतना भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, तो वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, पहले देख लेते हैं वो कि टोटल कितना यूज़ कर रहा है, 10 बजे सो रहा है और 6 बजे उठ जा रहा है, मतलब 8 घंटा वो सोता है, 8 घंटा क्या करता है, सोता है, अब दिन का 1/8 खेलता है, मतलब 24 घंटे का 1/8 घंटा वो क्या कर लेता है, खेलता है, ओके, और 24 घंटे का 1/6 क्या कर लेता है भाई, 1/6 पढ़ता है, तो ठीक है, अब देख लेते हैं उसने कितना यूज़ किया, 8, और इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 4, मतलब 8 × 3 = 12, 8 × 3 = 11, 11 × 4 = 15, तो वो दिन का 15 घंटा यूज़ कर लेता है बाबू, 15 घंटा वह यूज़ करता है,
अब अन्य किसने यूज करेंगे, तो 24 में से अगर आप 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब 9 घंटे वो क्या कर रहा है, अन्य गतिविधियों में लगा रहा है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि कितना भाग, तो 24 घंटे का कितना भाग, तो 9 का 24 घंटे का 9 भाग, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 3 9 3 8 24 3/8 कितना बाबू, 3/8 कितना भाग। अगर केवल ये पूछता कि कितने घंटे वो अन्य काम करता है, तो 9 घंटे। अब पूरे दिन का कितना भाग, तो 24 घंटे का 9 घंटे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/8, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आइए, कह रहा कि रुशदा और रेखा की चोटियों की लंबाई मीटर में इतना और इतना है, दोनों की चोटियों की लंबाई का जोड़ बताना है, योगफल बताना है, दोनों को जोड़ देना है। 4/5 और 5/7 को अगर जोड़ेंगे, 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, और 7/4 = 28, 5/5 = 25, ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 35। ये सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 35 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल क्या करें, अगला सवाल देखें, इतना का मान ज्ञात करिए यदि पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो। एक चीज़ नोटिस करिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 पद हैं तो 10 - 10 जीरो हो जा रहा है, फिर अगले 2 पद 10 - 10 जीरो हो जाए, फिर अगले 2 पद 10 - 10 जीरो है, यानी कि यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 पद हैं, सम पद हैं, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो इसे जितने भी सम पद होंगे उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। कर क्या रहा है, 10 जोड़ रहा है 10 घटा रहा है। तो विषम होती तो 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सम है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आपस में घट बढ़ के ख़त्म हो जाएंगे। अगला सवाल, एक दो और सवाल बचे होंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है कि विभिन्न गांवों की जिसमें किसानों के एक दिन की मजदूरी लिखी गई है, मतलब एक गांव में अगर आप जाएंगे, एक गांव में अगर कोई मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी 150, बी गांव में 125, ऐसा ही है। अब देखिए, जगत एक गांव में 150 दिन, जगत जो है वो एक गांव में 150 दिन मजदूरी करते हैं, और रेनू गांव सी में 180 दिन काम करती हैं, तो कौन ज़्यादा कमाता है और कितना। देखिए, ए में अगर आप 105 दिन काम करते हैं तो एक दिन की मजदूरी कितनी है, 185 रुपये। 185 का अगर 105 से अगर आप गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 185 के 105 से गुणा कराएंगे तो 105 + 25 = 5। ठीक है, इसको अगर आप गुणा कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 19,425। ठीक है, 19,425, तो इसका गुणा करेंगे तो 19,425 आएगा। मतलब ए की मजदूरी कितनी हुई, ए की मजदूरी हुई 19,425। बी की बात करें, सॉरी सी गांव में रेनू 180 दिन काम करती है, तो सी की मजदूरी कितनी है, 93। तो 93 का अगर आप 180 से गुणा कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 93 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, और 8 + 24 = 4 कैरी 2, और 8 + 72 = 74 कैरी हो जाएगा, और इसमें 93 अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना बचेगा, 4 + 3 = 7 और 9 + 7 = 16 16,740 रुपये। 16,740 रुपये, ठीक है, 16,740 रुपये। तो 16,740 रुपये में अगर आप देखेंगे तो जो रेनू है वो कम कमा रही है, कितना कम कमा रही है, 5 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 गया 8, और यहाँ 13 में से 7 गया 7 6 13 8 में से 2685 रुपये रेनू कम कमा रही हैं, और क्या जगत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जगत व रेनू से इतना रुपए ज़्यादा कमाता है, पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से ये वाला हमारा सवाल हल गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक 6 दशांश के बराबर है, 6 दशांश का मतलब 6/6 दशांश का मतलब 1 और 6 दशांश, 1+6/10 1+6/10, तो 1 का 1, 6/10 का मतलब 0.6, तो 1.6 कितना होगा, 1.6 होगा भाई, 1.6। ठीक है भैया, चलिए 6 दशांश, ओके, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल, निम्नलिखित को आरोही क्रम में भरिए, असेंडिंग ऑर्डर में भरिए, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हमको भरना है। सबसे छोटा कौन सा होगा, तो देखिए 0 वाला तो सबसे छोटा होगा, नो डाउट,
निम्नलिखित को आरोही, अरे किसको दे, मतलब लिखिए वो, चलिए सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा हमारा ये 0.86, इन्हीं तीनों में से कोई विकल्प होगा। अब जहाँ पे ये देखिए 806 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 जी ये सही है, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे वाला गलत हो गया, 8.086 ये वाला विकल्प हमारा सही होगा बच्चों, इसमें हमारा ये वाला विकल्प सही होगा 0.86, मतलब 0.66, 60 ये वाला सही है। चलिए सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं, चलिए हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। क्या कह रहा है, म्याऊं खेलने के लिए सब लोग को गोले में खड़े करती है, एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी बोलता है दो, ऐसे करते करते खेल चलता जाता है, जिस खिलाड़ी को 7 या 7 के भाग होने वाली संख्या बोलती है वो संख्या म्याऊं कहेगा। ओके, देखिए सवाल क्या है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, मतलब क्या है ना कि कई बच्चे गोले में खड़े हैं तो सब बोलेंगे एक, पहले बोलेगा खड़े खिलाड़ी बोलते हैं एक, अगला बोलेगा दो, ऐसे बोलते 1 2 3 ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो जिसका 7 आएगा वो बोलेगा म्याऊं, तो पहला म्याऊं कब बोलेगा, 7 पे, फिर 14 पे, फिर 21 पे, 28 पे, तो इस तरीके से जो भी 7 से कटने वाली संख्याएं हैं उस पर उसको म्याऊं बोलना है, ठीक है, तो 7 से कटने वाली, इसमें देखिए सारे जो 7 से कट जाते हैं ज़रा देख लेते हैं, तो अगर इसको अगर हम बात करें तो 7 से करेंगे तो 7 2 14 कट जा रहा है, 7 2 14 और 52 नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ये देखते हैं 147 7 2 14 कट जाएगा, 7 2 14 और ये नहीं कटेगा, ये देख लेते हैं 7 7 7 यहाँ पर जाएगा 6 7 63, ये 7 2 14 ये हो जाएगा 7 2 14 ये वाला कट जा रहा है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये भी सेट समाप्त हुआ, 8 जनवरी 2022 का जो भी सेट पूछा था वो यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 10 जनवरी को देखेंगे, 10 जनवरी का भी PDF रेडी है, लेकिन हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, आज 8 जनवरी का समाप्त करते हैं, अगले में हम 10 को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो प्रैक्टिस के लिए सही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, जय हिंद जय भारत।